ओम शांति। 26 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? बाबा ने उत्तर दिया, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाबा कहते, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दें। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट के पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते, इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। सेकंड पॉइंट, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। जैसे बाप वफादार हैं, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार बनना है। कभी भी फारकति या डाइवोर्स नहीं देना। कभी भी फारकति या डाइवोर्स नहीं देना। आज की मुरली का वरदान है, सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्केपन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। विश्लेषण है, संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाबा कहते, इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है,
वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपना सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाबा कहते इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। बाप के स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। आज की मुरली का स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।